वर्ल्ड कप 2019 में बने ये चार वर्ल्ड कप रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ पाना लगभग नामुमकिन। वर्ल्ड कप 2019 इंग्लैंड और वेल्स में खेले गए। वर्ल्ड कप 2019 में कई रिकॉर्ड बने तो कई रिकॉर्ड टूट गए। जो चार वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में सीजन के बने हुए हैं, शायद टूट पाना मुश्किल नहीं है। हालांकि क्रिकेट की दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कभी ना कभी टूट जाएंगे, लेकिन इन्हें तोड़ पाना काफी मुश्किल है। वर्ल्ड कप 2019 में बने ये चार रिकॉर्ड: रोहित शर्मा के 5 शतक, मिचेल स्टार के 27 विकेट, जो रूट के 13 कैच और कप्तान केन विलियमसन के 578 शामिल है। वर्ल्ड कप 2019 में बने ये कुछ आंकड़े हैं जो वर्ल्ड कप के इनमें से एक रिकॉर्ड की किसी की द्वारा तोड़ पाना काफी कठिन है। कई भी खिलाड़ी आपस में तो पहुंच सकते हैं, लेकिन इन वर्ल्ड रिकॉर्ड को धराशायी कर पाना बहुत कठिन है। टीम इंडिया के उप कप्तान और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप 2019 की 9 पारियों में 648 रन बनाए, जिसमें से 5 शतक और 1 अर्धशतक शामिल है। वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब एक खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाए हैं। इससे पहले कुमार संगकार ने वर्ल्ड कप 2015 में 4 शतक जड़े थे, लेकिन रोहित शर्मा ने इन रिकॉर्ड को तोड़ डाला। ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट आर्म पेसर मिचेल स्टार्क ने इन वर्ल्ड कप में 27 विकेट चटकाए, जिनमें से 2 बार उन्होंने 5-5 विकेट अपने नाम किए हैं। मिचेल स्टार्क अब दुनिया के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने एक वर्ल्ड कप में 27 विकेट अपने नाम किए हैं। मिचेल स्टार्क से पहले उन्हीं के देश के ग्लेन मैकग्रा ने वर्ल्ड कप 2007 में 27 विकेट अपने नाम किए थे। जो रूट ने इंग्लैंड टीम के लिए न सिर्फ रन बनाए बल्कि बचाए भी हैं। जो रूट ने बतौर फील्डिंग के 13 भी कैच पकड़े, जो एक वर्ल्ड कप में सीरीज में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले बल्लेबाज। जो रूट से पहले ऑस्ट्रेलिया कप्तान रिकी पोंटिंग ने साल 2003 में वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 11 कैच पकड़े थे। इंग्लैंड की टीम के दमदार बल्लेबाज जो रूट ने अपनी फील्डिंग को सभी को प्रभावित किया। खराब किस्मत की वजह से वर्ल्ड कप 2019 में हारने वाले टीम न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने इस वर्ल्ड कप की 9 पारियों में 578 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल थी। वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा पहला मौका था जब एक कप्तान 578 रन बनाए हैं।